नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पेज और चैनल पर। आज एक अनौपचारिक वार्तालाप हो रहा है डैडी और मेरे बीच में। अरे हम बैठे हुए थे, वैसे थोड़ा मन अपसेट हो गया। जिस फोन के कैमरे से वीडियो बनती है वो बेचारा थोड़ा सा आज उसका अस्त व्यस्त बीमार हो हो गया। बीमार हो गया तो फिर अभी दूसरा मोबाइल के कैमरे को स्टार्ट कर दिया है। और आज जनरल ऐसी बात कुछ और करनी थी, किसी पिक्चर के ऊपर मुझे आज डैडी से पूछना था, तो अभी डैडी का मन नहीं था उस पर बात करने का। तो यकायक एक बात आई कि पहले मम्मी भी प्रोग्रामों में जाती थी साथ में, जब नहीं तक हम लोग एक दो शादी में। थे। हाँ वही तो आज हाँ मैं। और फिर ऐसा क्या हुआ कि मम्मी ने प्रोग्रामों में जाना छोड़ दिया? और अभी डैडी मेरे साथ बैठे हुए हैं, साथ में हैं, तो आज हम पूछते हैं कोई किस्सा है ऐसा, मम्मी पहले जाती थी प्रोग्रामों में आपके साथ? नहीं, सारे तो नहीं गई, हाँ दो प्रोग्रामों में ही गई है। अच्छा, दो ऐसा प्रोग्राम। है, पहले ये 4-5 साल या 3-4 साल मेरे माता पिता के ही पास रही शादी के बाद। हाँ हाँ तो जब मैं पहले अपनी बहन के पास रहता, जब मिंटो रोड आ गया मैं, तो फिर हमने किराए का कमरा लिया। मतलब सभी लोग कहने लगे अब बहू को लेके जा, तो मैं इनको लेके आया। तो पहला प्रोग्राम तो परेड ग्राउंड में रामलीला का कवि सम्मेलन, उसमें ये अकेली थी, ये बोली मैं अकेली रहूंगी, किराए का कमरा था। तो मैंने कहा तुम भी चलो। तो वहां गए तो कवियों में खुशपुटाहट होने लगी इनको देख के। अच्छा। और मेरे साथ कभी किसी को देखा नहीं, बल्कि नीरज जी तो जोर जोर से कहने लगी आज तो किसी को लाया है साथ में। अच्छा। अब मैं बड़ा परेशान। अब ये बात तक पहुंच गई। अच्छा, मम्मी तक। हाँ, तो अब ये जब मैंने कविता पाठ कर लिया, बोले कि मुझे अभी लेके चलो घर। क्यों? बोले के रास्ते में बताऊं, सुन लेंगे। आप मंच पे थे? मैं ये मंच तो पे नीचे था, ना? मैं ऑडियंस में। मैं इनके 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 आसपास बैठा हुआ था। हाँ। इसलिए कि पहली बार आई है, कोई फिर भीड़ आगे बहुत थी, और मंच पे बहुत बैठ जाते हैं रामलीला के कवि सम्मेलन। तो मैंने इनसे कहा क्या बात हो गई? रास्ते में बोले के जी मैं नहीं आऊंगी आपके यहाँ कवि सम्मेलन में। तो ये मेरे साथ फिर कवि सम्मेलन में नहीं गई। फिर एक एक और इनका दो कवि सम्मेलनों में ये दिल्ली में गई। तो लाल किले के कवि सम्मेलन में व्यास जी बोले के अरे बहू को ले आइयो, वो भी देख लेगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं ले गया तो ये VIP के उसमें बैठी हुई थी। आगे और ठीक पीछे जो पब्लिक का वो था, तो ये अपना वहां बैठी हुई थी। तो किसी ने मतलब मैं जैसे मान लो बाथरूम बाथरूम के लिए निकला हुआ, तो पीछे से लोग जो बोलने लगते थे अरे जा रहा है उसे रोक लो। और उसमें मेरी टांग के ऊपर उन्होंने बोल दिया। बस साहब ये तो वहां खड़ी हो गई। बोले भगवान करे तुम्हारी टूट जाए। आज भी बर्दाश्त नहीं होने आपके लिए। अब पता है मुझे वो मेरे घर में आप ताज्जुब करेंगे, लगड़ा अब नहीं आता है। नहीं नहीं और एक और बात बता दूं, अब तो स्थिति ये है, पता नहीं क्या है मम्मी को, सच्चाई जो है वो इन्हें अब बाहर भेज के ही राजी नहीं है। ये तो आपको भी पता है, एक घंटे के लिए भी जा रहे हैं तो भी उन्हें दिक्कत होने लग गई। अब नहीं, अब कुछ है साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल है।